नमस्ते मित्रों, न्यूज टॉक 94 में आपनो हार्दिक स्वागत छे। दाहोद इंदौर लाइन परियोजनाना भागरूपे गुजरातना उच्चवाणिया गामे मध्य प्रदेशना पिटोल रेलवे स्टेशनना नवीन अने अद्यतन भवनों शिलान्यासनों कार्यक्रम दाहोदना सांसद जसवंतसिंह भाभोरना वरद हस्ते अने DRM रतलाम रजनीश कुमारनी उपस्थिति में योजायो हतो। दाहोद रतलाम डिविजनना DRM रजनीश कुमार आजे सवारे पहला दाहोद रेलवे स्टेशननी मुलाकात लीधी हती अने इंस्पेक्शन कर्यू हतू अने त्यारबाद दाहोदना सांसद जसवंतसिंह भाभोर, धारासभ्य कन्हैयालाल किशोरी, सुधीरभाई लालपुरवाला, धारासभ्य महेंद्र भाभोर, विजय परमार साथे दाहोद स्टेशन उपर बैठक करी अने दाहोदना रेलवेना स्टॉक स्टॉपेज टिकीट बारी अने अन्य सुविधाओं अंगे विस्तृत चर्चा करी हती। अने त्यारबाद दाहोद जिल्लाना सांसद जसवंतसिंह भाभोर, धारासभ्य कन्हैयालाल किशोरी, धारासभ्य गरबाड़ा महेंद्र भाभोर, विजय परमार, सुधीरभाई लालपुरवाला तथा दाहोद DRM रजनीश कुमार साथे रेलवेनी पूरी टीम दाहोदना उच्चवाणिया गामे पहुंची हती, ज्यां मध्य प्रदेशना पिटोलनुं नवीन रेलवे स्टेशननुं भवन बनावानुं छे। दाहोद थी कतवारा सुधी दाहोद इंदौर रेलवे लाइननुं काम पूरुं थई गयुं छे अने अत्यारे कतवाराथी पिटोल सुधीनी लाइननुं काम गति पकड़ी रह्युं छे अने आ विस्तार खूब घाट अने डूंगराळ होवाथी समय लागी रह्यो छे अने दाहोदथी पिटोल लाइननो अंदाजित खर्च ₹500 करोड़ छे। આમ આ દાહોદ ઇન્દોર રેલવે પરિયોજનામાં ગુજરાત તરફી કામ લગભગ ક્લિયર છે અને ત્યાં કોઈ તકલીફ નથી। અવારનવાર સમયમાં હવે પછી પિટોલથી જાવવા લાઇનનું કામ શરૂ થશે અને હવે આ પ્રોજેક્ટ ઝડપથી આગળ વધશે તેવું DRM રતલામ રજનીશ કુમારે જણાવ્યું હતું। हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज माननीय MP दाहोद द्वारा यहाँ पे पिटोल स्टेशन के स्टेशन नए स्टेशन भवन की आधारशिला रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये स्टेशन दाहोद से इंदौर लाइन पर पड़ता है और दाहोद से कटवारा तक की लाइन ऑलरेडी बन चुकी है और ये दूसरा स्टेशन है पिटोल। यहाँ पर स्टेशन का कार्य अब गति पकड़ेगा और जो कटवारा से यहाँ तक की लाइन है उसमें भी काम अर्थवर्क का और सारे काम चालू हैं। कुल मिलाकर के ये पूरी परियोजना का ये जो हिस्सा है दाहोद से लेके पिटोल तक ये करीब करीब 500 करोड़ के आसपास का होगा, जिसमें से करीब आधा पोर्शन कटवारा तक पूरा हो चुका है और कटवारा से यहाँ पे काम चालू है। ये इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि ये काफ़ी मुश्किल सेक्शन है, काफ़ी इसमें पथरीले पहाड़ और खाइयाँ हैं, उसको कई सारे ब्रिजेज और कर्व
इसमें आते हैं, तो थोड़ा मुश्किल काम है, पर हमारी निर्माण की टीम लगी हुई है और जल्दी इस कार्य को पूरा करेगी।